हे hey दोस्तों, आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर एक ना एक वीडियो तो जरूर देखा होगा। कई सारी शायद कहानियां भी सुनी होंगी, जैसे कि एक कहानी बहुत फेमस थी। एक राजा होता है जिसे चेस बहुत पसंद होता है, वो सबको बहुत लोगों को हराता है और वो एक दावा करता है कि कोई भी उसे हरा देगा चेस में तो वो जो बोलेगा उसे दे देगा। ऐसी फिर वो लोग चेस खेलते हैं और सरप्राइजिंगली वो आदमी जो होता है राजा को हरा देता है। फिर राजा बोलता है तुझे क्या चाहिए बता, तो वो आदमी वो जो समझदार आदमी होता है वो बोलता है मुझे चावल चाहिए। तो वो पूछता है कितना चावल चाहिए, तो वो बोलता है आप लोग क्या करना, चेस का जो बोर्ड होता है उसमें एक बॉक्स में एक दाना रखना, दूसरे बॉक्स में दो दाने, तीसरे बॉक्स में चार, और ऐसे डबल करते जाना, और फिर 64th नंबर तक जितने दाने आएंगे उतने दाने मुझे चाहिए। अभी जो राजा होता है वो उसको लगता है कि अरे बहुत कमी होगा, वो हंसता है और बोलता है ठीक है दे दिया जाएगा। और जब फिर वो लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत कम लगता है, एक से दो होता है, दो से चार, चार से 16, 16 से 32, 64 एंड सो ऑन। और जब फिर वो लोग एट द एंड कैलकुलेट करते हैं कि उन्हें एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा, तो उसका नंबर कुछ इतना आता है 18 quintillion, 446 quadrillion, 744 trillion, 73 billion, 709 million and 600,000। इतना ग्रेन ऑफ राइस उन्हें देना पड़ेगा, जो सोच के उसके होश उड़ जाते हैं, बिकॉज उतना राइस तो उसके किंगडम में क्या पूरे देश में ही नहीं होता। अगेन ये स्टोरी में भी कैसे कंपाउंडिंग का पावर बताया गया था कि वो कितना ज़्यादा वो पावरफुल होता है। और यही सारे वीडियोस देख के, यही सारी स्टोरीज सुन सुन के आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर बोला होगा यार कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, है ना, आपने भी सुना भी होगा। बट क्या सच में कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है? वेल देखो, नो डाउट कंपाउंडिंग पावरफुल चीज़ है। इनफैक्ट मैंने भी कई सारे वीडियोस कंपाउंडिंग के ऊपर बनाए हैं। बट एक चीज़, अगेन आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं, वैसी है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट की भी ना अच्छाइयाँ तो बहुत भरी पड़ी है यूट्यूब पर, हर जगह पर, लेकिन इससे रिलेटेड जो बुराइयाँ हैं वो बहुत कम लोग ही बताते हैं। जबकि ये एकदम सच है कि हर अच्छी से अच्छी चीज़ में कुछ बुराइयाँ होती है, जबकि बुरी से बुरी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। और यही यिन यान का भी कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना चाहिए एक समझदार इंसान की तरह लाइफ बिताने के लिए। इसलिए आज मैं आपके साथ है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिलेटेड कुछ बुराइयाँ बताने वाला हूँ, जो आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अच्छे तरीके से आगे बढ़ सको। बिकॉज जिस हिसाब से हवा बनी हुई है ना कि कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, वो सच तो है बट बहुत ज़्यादा सच नहीं भी है। कैसे नहीं है वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकली मैं आपको ना कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिलेटेड 6 बुराइयाँ बताने वाला हूँ और 3 सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो आपको यूज़ करने चाहिए। शदरीपू करके कॉन्सेप्ट है हिंदू थियोलॉजी में, जिसका बेसिकली मतलब है 6 एनिमीज ऑफ द माइंड, जिसमें क्या क्या चीज़ आती है, कामा मतलब लस्ट, दूसरा क्रोधा मतलब एंगर, तीसरा लोभा मतलब ग्रीड, चौथा मोहा मतलब अटैचमेंट, पाँचवा मदा मतलब सेंस ऑफ आई, ईगो आप बोल सकते हो, और लास्ट 6 मत्सर्या मतलब एनवी या फिर जेलेसी। ये 6 एनिमीज होते हैं दिमाग के, वैसे आपके भी 6 एनिमीज है कंपाउंडिंग से रिलेटेड, जो अभी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो कंपाउंडिंग यूजुअली किस बेसिस पे काम करती है, इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करती है, राइट? और अगर आपको शायद नहीं पता तो बता दूँ, कई सारे बड़े बड़े रिलीजन में भी ना इंटरेस्ट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। जैसे शायद से आपको पता होगा इस्लाम में इंटरेस्ट लेना हराम है, बट बात सिर्फ इस्लाम की ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, बुद्धिज्म में, ग्रीक फिलोसफी में और कई सारे एंशंट सोसाइटी में ना इंटरेस्ट को एक ख़राब चीज़ बोली जाती थी। आपको पता है इवन हिंदुइज्म में एक वशिष्ठ द सेक्रेड लॉज ऑफ द आर्या इस बुक के पार्ट 2 चैप्टर 2 वर्स 40 से 42 में बोला जाता है कि ऊपर वाले ने ना क्राइम्स को जब उसने तोलना चालू किया तो एक तरफ उसने रखा एक ब्राह्मण को मार देना और दूसरी तरफ इंटरेस्ट चार्ज करना, इन दोनों को जब तराजू पे तोला गया तो इंटरेस्ट वाला जो सिन था वो नीचे गिर गया। मतलब इस बुक में भी बताया गया कि कैसे जो इंटरेस्ट है वो लेना एक बहुत बड़ा सिन है ना। ये जो आर्टिकल है उसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो उसके बारे में। बट कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मेजर रिलीजन में इंटरेस्ट को या इनडायरेक्टली आप कंपाउंडिंग को बोलो बहुत बुरा माना जाता है। और उसका रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न है इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। ये जो इंटरेस्ट का सिस्टम है ना, इससे अमीर बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है जबकि गरीब और बहुत ज़्यादा गरीब होता जाएगा। कैसे? देखो, अगर एक इंसान है जिसके पास करोड़ों रुपए है तो वो क्या कर सकता है, और ये चीज़ हुई भी है पुरानी सोसाइटी में, ये होता था कि अगर कोई गरीब इंसान है जिसने समझो अपना कोई बिजनेस करना चालू किया, उसे 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, अभी जो करोड़पति इंसान है वो क्या करेगा, अपने करोड़ों में से 50 लाख उसको दे देगा और बोलेगा तुझे श्योर शॉट ये जो मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ वो रिटर्न करने हैं और उसके साथ मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न करना है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक गारंटीड तरीके से पैसे वापस लेना चाहता है, वो भी उससे ज़्यादा। जबकि जो गरीब इंसान है वो तो पूरी रिस्क ले रहा है, वो अगर बिजनेस करने जाएगा, बिजनेस में आपको पता ही होगा कि बिजनेस में कई सारा रिस्क होता है, सक्सेस भी मिल सकती है, रिवॉर्ड भी मिल सकती है। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो गरीब है वो पूरा रिस्क ले रहा है, उधार में पैसे ले रहा है, मेहनत कर रहा है ताकि बस वो थोड़े पैसे कमा सकते हैं, जबकि अमीर के लिए ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी पैसे थे, उसे सिर्फ उसका इंटरेस्ट खाना है। और इसकी वजह से ही अमीर बहुत ईजिली और अमीर हो सकता है। अगेन एक और एग्जाम्पल देखो, अगर एक आदमी है जो बहुत अमीर है, उसके पास करोड़ों रुपये हैं, ना उसका जो बच्चा होगा
वो भले से कितना भी निकम्मा हो, कितना भी नाकारा हो, ना बड़े बूढ़ों की इज्जत करता है, ना लड़कियों की इज्जत करता है, ना गवर्नमेंट की इज्जत करता है, फिर भी क्योंकि उसके पास पैसे हैं इसलिए वो आराम से उस पैसों को बैंक में डाल के सिर्फ उसके इंटरेस्ट पे ही वो करोड़ों कमा सकता है। जबकि दूसरी तरफ गरीब का बच्चा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, स्टिल वो बहुत ज्यादा मेहनत करके भी लाखों रुपए भी नहीं कमा पाएगा, बराबर है। इसलिए पहला डार्क साइड है कंपाउंडिंग का, ही है ना लोगों में इनइक्वालिटी बढ़ाता है। एक तरफ अगर एक अरबपति इंसान करोड़ों इन्वेस्ट करेगा महीने के, तो सोचो वो SIP में कितना पैसे कमाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब इंसान बहुत मेहनत कर करके अगर 1000 रुपये भी डालता है तो 50 साल में वो कितना ही कमा पाएगा, 100 साल में अपनी पूरी जिंदगी में कितना ही कमा पाएगा, उतना भी नहीं जितना ये अमीर इंसान कुछ महीनों में इंटरेस्ट कमा लेगा। सेकेंड डार्क साइड जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, वो ये डेवलपिंग द स्कैर्सिटी मेंटेलिटी। आपने देखा होगा कई सारे आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, लोग बहुत सारे रील्स वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं और उसमें बताते रहते हैं कि कैसे आप है ना ये क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लोगे, ये ऑफर का यूज़ कर लोगे, इस चीज़ को ऑफर का यूज़ कर लोगे तो आप इतने पैसे बचा लोगे, इतने पैसे बचा लोगे, और ये पैसे बचा के आपको SIP करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, यहाँ पे पैसे बचा के ये डालना चाहिए, इतना पैसे बचा के आप इतने साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 करोड़ रुपये आ जाएंगे। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको अलग अलग फॉर्म में दिखते हैं, मैं तो ऐसे मिक्स करके बता रहा हूँ, बट ऐसी टाइप के वीडियोस आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। देखो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो एट अ टाइम बहुत फ्यू थिंग्स पे ही फोकस कर पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो आपके आसपास जो भी शोर हो रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी, जैसे कि पंखे की आवाज़ हो गया, बाहर हॉर्न की आवाज़ या किसी और की आवाज़ है, आप उसे कट ऑफ कर रहे हो और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, राइट। जबकि अगर आप इधर उधर फोकस करोगे तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और बात यह है कि हमारा कॉन्शियस माइंड एट अ टाइम सिर्फ कुछ चीज़ों पर ही फोकस कर पाता है। देखो मुझे पर्सनली लगता है ना कि जिंदगी को बिताने के ना दो ही तरीके, एक स्कैर्सिटी मेंटालिटी की तरह आप कर सकते हो या फिर आप अबंडेंट मेंटालिटी के साथ बिता सकते हो। स्कैर्सिटी मेंटालिटी, अबंडेंट मेंटालिटी के बारे में 7 हैबिट्स में काफी अच्छे से ऑथर ने बताया कि कैसे जब हम लोग ना सिर्फ स्कैर्सिटी मेंटालिटी रखते हैं, हम लोग ना बहुत घुट घुट के जीते हैं कि यार इधर से पैसे बच जाए, इधर से पैसे बच जाए। और यहाँ पे ना अमीर बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता है कि यार पैसे है ही नहीं इतने ज़्यादा, सिर्फ बचाने पर फोकस जाता है आपके दिमाग का भी। जबकि ऑन द अदर हैंड जब आप अबंडेंट मेंटालिटी वाले इंसान बनते हो, जब आप ये सोचते हो कि नहीं यार दुनिया में यूनिवर्स में बहुत कुछ पड़ा हुआ है मेरे लिए और उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा मैं अपने लिए भी ले सकता हूँ, बहुत अबंडेंट है, जब आप इस तरीके से इस माइंडसेट के साथ जिंदगी बिताते हो तो आप ज्यादा पैसे कमा पाते हो, बड़ी बड़ी चीजें कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग को ये चीज समझ में आती है कि पॉसिबिलिटीज बहुत है, राइट। जबकि ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो वीडियोस है ना वो स्कैर्सिटी मेंटालिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। इवन जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ये इन्वेस्टिंग करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं लोगों को स्कैर्सिटी की तरफ लेके जा रहा है कि यार सिर्फ बचाने पे फोकस करो और सिर्फ सेव कर करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहोगे तो 20-30-40 साल बाद आपको कुछ करोड़ रुपए मिल जाएंगे। जबकि हाँ ये चीज एकदम गलत नहीं है, करना भी चाहिए, बट उससे ज्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए कॉन्शियसली वो है अबंडेंट मेंटालिटी। मैं आजकल देख रहा हूँ यंगस्टर्स ना बहुत ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, बुरा नहीं है, अच्छी बात है, आप सेव करो, इन्वेस्ट भी करो, लेकिन आप खुद ही सोचो ना, अगर आप लोग सिर्फ 50,000 रुपये भी कमा रहे हो, उसमें से अगर आप लोग समझो 50% भी सेव कर रहे हो, तो 25,000 को आप महीने महीने में इन्वेस्ट करके उसका कंपाउंडिंग करके कितना ही कमा लोगे। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर एक कोई अबैंडन्ड मेंटालिटी वाला बच्चा है जिसको पता है कि यार दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, वो सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग के बजाय अर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है, यूट्यूब चैनल बना रहा है, बिजनेसेस क्रिएट कर रहा है, अपनी नॉलेज स्किल्स को बढ़ा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो बताओ कौन जल्दी अमीर भी बनेगा, कौन ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएगा। डार्क सीक्रेट नंबर 3, हिडन टैक्सेस। कई सारे लोगों ने गलत फहमी है कि इंडिया में बस कुछ परसेंट लोग ही टैक्स भरते हैं। अब ये जो गलत फहमी है वो बेसिकली इनकम टैक्स के ऊपर है कि जो इनकम टैक्स कुछ परसेंट लोग भरते हैं उससे उनको लगता है देश चलता है, बट ऐसा सच नहीं है। आपको भी शायद पता ही होगा कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स भरता है। जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं, एक छोटे पिन से लेके अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदने जाओगे तो हर एक चीज़ खरीदते वक्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको टैक्स भरना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एयरपोर्ट खरीदा है तो इसकी कॉस्ट 25,000 के बजाय शायद मुझे 22,000-23,000 ही पड़ती अगर टैक्सेस नहीं होते तो। ऐसी आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हो उसमें एक टैक्स का मार्जिन होता है जो यूजुअली सेलर बायर दोनों की तरफ से गवर्नमेंट हमेशा लेते रहती है, राइट। और कई बार ये जो टैक्सेस होते हैं वो जितना बड़ा आप आइटम लोगे उतना ज़्यादा आपको देना पड़ता है, राइट। जैसे कि कार लोगे तो और आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं घर लेने का सोच रहा हूँ तो उस घर में 6% मतलब 6 लाख के ऊपर का मेरे को टैक्स देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सिर्फ। वैसे सिमिलरली ना लोग आपको कई बार बताते नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग कहीं म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो उसमें भी एक टैक्स नहीं एक फी होती है जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब यूजुअली हम लोग जब भी कोई कार मोबाइल ये सब चीज़ खरीदते हैं तो बेसिक लॉजिक क्या होता है कि जितना आप पैसा डालोगे उतना अच्छा आपको कार मोबाइल मिलेगा, बट लेकिन म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीज़ों में कई बार ये चीज़ सही नहीं भी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई महंगा वाला म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उससे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो कि कैसे जो आपका एक्सपेंस रेशियो है जब वो बढ़ना चालू हो जाता है तो इससे जो आपके रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी कम हो सकता है। कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है अगर आप एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है वो वाले म्यूचुअल फंड या ये सारी चीज़ें खरीदते हो तो। बट कई बार लोग आपको ये एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं बताते हैं। 4th डार्क साइड ये है कि 2 अप्स 1 डाउन इज नॉट कंपाउंडिंग।
सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, एक साल बाद इस पे आपको 20% गेन मिलता है, मतलब आपके 100 रुपये हो गए 120। लेकिन अब क्या होता है कि मार्केट क्रैश हो जाता है और एक साल के अंदर ही आपको 20% का लॉस होता है, मतलब जितना परसेंट गेन हुआ था उतना परसेंट का लॉस हुआ। तो आपके समझो टोटल अमाउंट कितने होने चाहिए, आप सोचोगे 100 रुपये। अगर आप 100 रुपये सोचोगे तो गलत है, बिकॉज 120 का 20% कितना होता है 96, मतलब कहीं ना कहीं आपका 4 रुपये का और लॉस हो गया है और ये चीज़ होने में आपको 3 साल लग गए। अब सपोज करो जब मार्केट क्रैश हुआ था उसी टाइम पे कोई एक नया इन्वेस्टर आता है, वो भी 100 रुपये डालता है, तो क्या हो गया कि जो नया इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे ही हो गया, राइट? आपका तो 2-3 साल का लॉस हो गया। वो बोला जाता है ना कंपाउंडिंग में, आप जितना जल्दी चालू करोगे उतना फ़ायदा होता है। वेल, मैक्सिमम टाइम सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी ये सिनेरियो में एक्सप्लेन किया। डिस्पर्शन और नेगेटिव रिटर्न्स, ये भी एक डार्क साइड है कंपाउंडिंग का। नेक्स्ट डार्क साइड है रिग्रेशन टू द मीन। 19th century में सर फ्रांसिस गैल्टन ने एक स्टडी करी थी रिग्रेशन टूवर्ड मीडियोक्रिटी इन हेरिडेटरी स्टैचर्स के ऊपर। उन्होंने देखा कि जब भी कोई बहुत लंबा आदमी होता है ना, लाइक समझो 6 फीट का इंसान है वो, और जिस जगह पे वो रहता है वहाँ बेसिकली 6 फीट लंबी हाइट है एवरेज, तो क्या होता है पता है, जनरली उस आदमी का जो बेटा होगा ना वो यूजुअली उससे छोटा निकलेगा, 5'11" होगा, मे बी 5'10" होगा। और ना इस स्टडी में बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह है, मान लो समझो इंडिया ही है, जहाँ पे एवरेज हाइट है लोगों की 5.7, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जो बड़ा होकर 6 फीट का निकल जाता है। लेकिन अब क्या होगा ना कि इसका जो बेटा होगा ना वो अब 6'2" का भी निकले, लेकिन फिर उसके बाद जो बेटा होगा मे बी वो 6'2" का नहीं निकलेगा, वो 5'10" का ही निकलेगा। उसके बाद जो बच्चा होगा वो 5'5" और 5'7" तक आ जाएगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर कोई छोटा आदमी है जो 5.2 का ही है, उसका बेटा मे बी 5.3 होगा, 5.4, और कुछ टाइम बाद ही 5.7 वाला बच्चा होगा। जेनेटिकली हम हर जनरेशन में ना एवरेज की तरफ मूव करते हैं और इसे ही बोलते हैं वी रिग्रेस टुवर्ड्स द मीन। अगर आप सिमिलरली स्टॉक या निफ्टी के भी चार्ट देखोगे ना, तो ये चार्ट्स कभी भी कितने भी ऊपर चले जाए, एक चीज़ तो पक्का है कि ये नीचे वापस से आएगा ही आएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर चार्ट बहुत ज़्यादा नीचे भी जाता है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नीचे भी होते हैं, तो भी वो कुछ टाइम बाद ऊपर आएगा ही और वो एवरेज तक पहुँच ही जाएगा। बोलने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट पे टिके रहते हो अमीर बनने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैक्सिमम लोगों को इससे सिर्फ एवरेज रिटर्न्स ही मिलेंगे। जबकि आप जितने भी अमीर लोगों से अगर पूछोगे, बात करोगे, तो वो लोग हमेशा आपको बोलेंगे कि फाइट मीडियोक्रिटी, फाइट बीइंग एवरेज, आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, जो बड़ा करना है। मतलब कहीं ना कहीं बात यही निकल रही है ना कि अगर आप लोग सिर्फ कंपाउंडिंग के भरोसे रहोगे, स्टॉक मार्केट के भरोसे रहोगे अमीर बनने के लिए, तो ये आपको आज नहीं तो कल एवरेज की तरफ ही लेके जाएगा बस, अनलेस अगर आप सिर्फ वॉरेन बफेट की तरह अपनी पूरी जिंदगी देना चाहते हो तो। बट अगेन मेरे हिसाब से भी ये बेस्ट तरीका नहीं है। अब आते हैं लास्ट पे जो है डेट ट्रैप। देखो कंपाउंडिंग अच्छे के लिए भी तो यूज़ होती है, बट कंपाउंडिंग बुरे के लिए भी यूज़ होती है, जो कई सारे बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं। आजकल मैं नोटिस करो कि आईफोन ये सब चीज़ तो इतनी कॉमन हो गई, हर कोई लेके घूम रहा है, और इनमें सैडली कई सारे लोग जो है ना वो ईएमआई पे लेके, लोन पे लेके मोबाइल्स खरीद रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। देखो मुझे पता है कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड ये सारी चीज़ें लोग पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं, पैसे बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग में वो सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार ये सारी स्कीम्स की वजह से वो लोग ऐसी सारी चीज़ें लेने लग जाते हैं जिसकी वजह से उन पर कंपाउंडिंग होना चालू हो जाती है उनके इंटरेस्ट पे। मैं अपने रिलेटिव्स में और कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पर्सनल लोन्स और ऐसे कई सारे लोन ले लेके चीज़ें करी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी आई है, उनकी पर्सनल लाइफ आप बोल सकते हो बहुत ख़राब हुई है, और उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़े हैं उस लोन को ख़त्म करने के लिए। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने जितना लोन लिया था उससे डबल ट्रिपल उनको पे करना पड़ा अपना पूरा लोन ख़त्म करने के लिए कई सालों में। क्यों? अगेन बिकॉज यहाँ पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करती है, लेकिन बैंक वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और उन्हें ये गेम एग्जैक्टली अच्छे से पता है। बैंक्स का जो बिज़नेस है वो सेंचुरीज से चल रहा है और वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप खुद ही देखो कोई भी शहर में ना जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स होती है वो बैंक्स की बिल्डिंग्स होती है। हमारे यहाँ BKC भी अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स आपको दिखेगी ना अच्छी अच्छी वो यूजुअली बैंक्स की ही होती है। क्यों होती है? बिकॉज उन्हें पैसे से पैसे कमाना आता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ना हर दिन ना हर कुछ दिन में क्रेडिट कार्ड के फ़ोन आते रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। क्यों ले लो? आपको लगता है वो लोग मेरा भला चाहते हैं? नहीं, उनको एग्जैक्टली पता है कि अगर हम लोग 100 लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचेंगे तो इनमें से एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लोग होंगे जो लोग क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से यूज़ करेंगे, जिससे बैंक्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कंपाउंडिंग काम करेगी उनके लिए लॉन्ग टर्म में, जो कई बार आम लोग रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लोग 5 लाख का लोन तो ले लेते हैं, उनको लगता है कि यार सिर्फ 10-15 हज़ार ही भरना रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। बट कई बार वो लोग ये कैलकुलेट नहीं करते कि उस अमाउंट का एक्चुअल टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल में भी, कितना इंटरेस्ट उनको भरना पड़ जाएगा। सो ये भी एक डार्क साइड है कंपाउंडिंग का, जिससे आपको बच के रहना चाहिए। अब चलो मैंने नेगेटिव बातें तो बहुत कर ली, अब पॉजिटिवली हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, याद रखो टू यूज़ कंपाउंडिंग इन हसल रेदर देन जस्ट मनी।
अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, देखो कंपाउंडिंग अच्छी चीज़ है, सही बात है, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता है, 20-25-30 साल अगर आप लगाओगे रेगुलरली, पैसे डालते रहोगे, तब जाके आपको कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल पाएगा, राइट। बट ये तो चलो पैसिवली ही हो रहा है, तब तक आपको क्या करना चाहिए, तब तक उसके साथ साथ आपको, या उससे भी बेटर, आपको सबसे मेन फोकस करना चाहिए आपके एक्शंस पे। आपको पता होगा जैसे पैसे टाइम के साथ कंपाउंड होते रहते हैं, वैसे जो आप डेली एक्शंस लेते हो ना, वो भी एक तरीके से कंपाउंड होता है। कंपाउंडिंग के इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, A=P(1+R)(n). नाउ ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हमेशा रहेगा, वो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, बहुत लिमिटेड अमाउंट ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा कई बार, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, राइट। लेकिन जब हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को ऐसे वेरिएबल्स पे लगाते हैं जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट लगाओ अपनी नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे, अपने फोकस पे, अपने ग्रिट पे। सिर्फ पैसे को डबल होने का वेट मत करो, इतने दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, ये देखो कि आप कैसे हसल करके कैसे पैसे बना सकते हो। बिकॉज जितने ज़्यादा आप पैसे बनाना चालू कर दोगे, उतना ज़्यादा आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज़ करके उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी गेन कर सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करो, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस कंपाउंडिंग हसल इज इक्वल टू पावर। अगर आप समझो फॉर एग्जांपल आज यूट्यूबर बनना चालू करते हो, आज आप अपना एक घंटा आधा घंटा दे रहे हो, तो फ्यूचर में आप आधे एक घंटे को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है। प्लस अगर आप एक साल तक 2 साल तक लगातार वीडियो एडिटिंग करते रहते हो, स्क्रिप्ट लिखते रहते हो या काम करते रहते हो, तो आपको लगता है वो भी चीज़ कंपाउंड होते रहेगी, आपके स्किल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहेंगे, जिसकी वजह से आज शायद से आपको एक अच्छा वीडियो क्रिएट करने के लिए 1 महीना लग जाए। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि शायद से बहुत धासू वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप उसको कई सालों तक करते रहोगे तो 4-5 साल में उसका भी कंपाउंडिंग होगा, और वैसे टाइप का ही वीडियो आप एक दिन के अंदर भी क्रिएट करना सीख जाओगे। तो पहला सोल्यूशन तो यही है कि यूज़ कंपाउंडिंग नॉट जस्ट फॉर मनी बट फॉर योर एक्शंस, और दूसरा है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपने शायद धीरूभाई अंबानी की स्टोरी तो सुनी होगी, जब वो बहुत कम पैसे कमाते थे तब वो उन पैसों से ताज होटल गए थे एक चाय पीने के लिए। अगर वो आज के टाइम कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख रहे होते तो वो शायद कभी जाते ही नहीं 5-स्टार होटल में, क्योंकि मेक सेंस नहीं करता है, बहुत महंगी चाय होती है, जबकि आप सस्ती चाय तो भाई घर पे बना के भी पी सकते हो आराम से, है ना। बट फिर भी धीरूभाई अंबानी गए वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके, क्यों? क्योंकि है ना, उन्हें अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करना था, उन्हें देखना था कि जो अमीर होते हैं वो कैसे अमीर होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं। वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे गए थे, और उस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, उनके माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प किया कि हाँ इतनी चीज़ें अचीव की जा सकती है। यहाँ पे वो स्कैर्सिटी मेंटालिटी उन्होंने नहीं रखी कि यार बचाना है, सबसे सस्ती में चाय पीनी है 10% डिस्काउंट के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला महंगी चाय पीऊंगा और देखूंगा कि अमीर लोग होते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, और ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं उनकी इस माइंडसेट ने ही उन्हें अमीर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इसलिए दूसरी चीज़ है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। धीरूभाई अंबानी ने कहीं ना कहीं 5-स्टार में जाकर अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट किया, अपनी सोच पे इन्वेस्ट किया। ऐसी आप भी कहाँ का इन्वेस्ट करते हो? देखो वैसे तो लोन लेना ही नहीं चाहिए, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई एक चीज़ है जिस पर आप लोन ले सकते हो फिर भी, तो वो होना चाहिए आपके एजुकेशन। और आपको ये पता होना चाहिए हाँ एजुकेशन में सीखूंगा, स्किल्स एक्वायर करूंगा, ताकि वो प्रेशर भी जो रहा है आपको और आपकी स्किल्स को कंपाउंड करने में, ओवर द ईयर कंपाउंड करके पैसे रिटर्न करने में भी हेल्प करेगा और आपकी खुद की वैल्यू भी बढ़ाएगा। बट अगेन, लोन लेके चीज़ें करना सही नहीं है, बट फिर मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ। और थर्ड चीज़ ये है कि अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कई बार हिडन चार्जेस होते हैं, हिडन फीस होती है, एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो, जिसका भी अगेन कंपाउंडिंग होता है और वो बहुत बड़ा चंक आपका आपके पैसे का ले लेता है आपसे। तो इससे बचने के लिए आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो, जो टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक अनशेकेबल में बताई है, वो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना, जहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप कंपाउंडिंग का फायदा तो उठा सकते हो लेकिन आपको इतना एक्सपेंस भी नहीं देना पड़ेगा। बट इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो ये बात याद रखो, कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, अगर आपकी सिर्फ यही स्ट्रैटेजी है तो आपको इसको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। आपको फोकस करना है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पे, तो आप अपने एफर्ट्स, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, इसके ऊपर कंपाउंडिंग लगाना चालू करो। हाँ, कई बार देखो ये चीज़ बोली जाती है कि टाइम आपको अमीर बनाएगा, वक्त आपको अमीर बनाएगा, लेकिन वो वक्त आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट को टाइम ने अमीर बनाया, बात सही है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वॉरेन बफेट ने एक्चुअल में जब उनका पीक टाइम चल रहा था तो वो एक एक दिन में 500-500 पेज पढ़ते थे। उन्होंने अपनी नॉलेज पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट लगाया था, जिसकी वजह से ही वो बहुत कम एक्शंस लेके भी उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। बट मैं नोटिस करता हूँ लोग ऐसा नहीं कर रहे, कई सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ बस SIP चालू कर दूंगा और एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, तो अगर आप लोग 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो जो 10-20 साल बाद 1 करोड़ भी बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिकॉज 10-20 साल बाद इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो घर 20 साल पहले लाखों रुपए में मिलते थे आज उनकी वर्थ करोड़ों में है, और आज जो करोड़ों में मिल रहे हैं उनकी 20 साल में वैल्यू कितनी करोड़ हो जाएगी वो आपको नहीं पता। तो
इसीलिए अगेन सिर्फ कंपाउंडिंग पे फोकस करने के बजाय आप और ज्यादा अच्छे खासे तरीके से पैसे कमाने पे फोकस करो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कमाने पे फोकस करो। ये आपको वन ऑफ द बेस्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा एक बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह, क्या रेवेन्यू पैसे कमाने पे फोकस करो, अबंडेंस मेंटालिटी रखने पे फोकस करो, और साथ में बहुत सारे पैसे कमाने के साथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव भी करते रहो, इन्वेस्ट भी करते रहो, वो भी ठीक है, बट ज्यादा मेन फोकस आपको करना है पैसे कमाने पे, अपनी स्किल्स बढ़ाने पे। अच्छा मैं आपसे सच सच पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे कितने अमीर लोगों को जानते हो जो लोग ने ना लाइक 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार रुपए SIP में डाले, मंथली इन्वेस्ट किए, उन्होंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट किया और फिर जाके वो अमीर बने? 3-4 नाम गिना दो, 5 नाम गिना दो, आप नहीं गिना पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे पूछूं कैसे 5-10 बिजनेसमैन बता दो जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया लेकिन आज वो लोग अरबपति है, तो आप ऐसे कई सारे नाम बता दोगे, राइट? इसलिए कंक्लूजन में ये भी एक चीज़ है कि आप बिजनेस करने पे फोकस करो। आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, आप आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो को देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप सीकेन को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी जरूर बताना। मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।